माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की बिस्तरा रिपोर्ट सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। जेल में बंद अंसारी की 28 मार्च को बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने उन्हें जेल में जहर देने का आरोप लगाया था। इस पर प्रशासनिक और न्यायिक जांच टीमें गठित की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि के बाद भी बिस्तरा जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से छपी मीडिया खबरों में कहा गया कि लखनऊ से मुख्तार की बिस्तरा जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। इसे न्यायिक जांच टीम को भेज दिया गया है। अब जांच टीम जल्द ही पूरी रिपोर्ट उच्च अफसरों को सौंपेगी। मुख्तार अंसारी को 30 मार्च को उसके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में उसके माता पिता की कब्र के पास ही सुपुर्द खाक किया गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। इसमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले दर्ज थे।